यूपी के जनपद महाराजगंज के चौक बाजार आज भले ही सरकार सब पढ़े सब बड़े का राग अलाप रही हो, लेकिन सब पढ़े सब बड़े कैसे हो सकता है। जहां विद्यालय भवन तो किसी तरह बन गया, लेकिन आज तक दीवार प्लास्टर के लिए तरसते रह गए। खिड़कियां दरवाजे भी नहीं लगे, शौचालय रसोई घर बाउंड्री वाल दीवार भी नहीं बनवाए गए। ऐसे में सब पढ़े सब बढ़े एकमात्र दिखावा बनकर रह गया है। अधूरा विद्यालय भवन लोगों को मुंह चिढ़ा रहा है। मिठोरा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा मठिया के राजस्व ग्राम हरपुर खुर्द में प्राथमिक विद्यालय बनवाने के लिए 2012-2013 में सरकार द्वारा 64,810 रुपए आवंटित किया गया था, जिसका निर्माण कार्य भवन प्रभारी संजय सिंह को सुपुर्द किया गया, लेकिन भवन प्रभारी द्वारा विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण रूप से नहीं कराया गया, जिसका जिक्र कई बार आला अधिकारियों से किया गया, लेकिन विद्यालय भवन निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ। यहां तक कि गांव में चौपाल लगाए तत्कालीन एसडीएम को भवन के बारे में जानकारी दी गई, जिसका एसडीएम के द्वारा मौके पर जांच भी किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उस समय चार्ज में रहे खंड शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र पाल को भी अधूरे भवन की जानकारी दी गई, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया काम पूरा नहीं कराया गया, जिससे आज तक विद्यालय भवन अधूरा है। प्रधान अध्यापक का चार्ज लिए अध्यापक प्रेमधर ओझा ने बताया कि वर्तमान में 70 बच्चे नामांकित हैं, जिसमें 40 बच्चियां व 30 बच्चे पंजीकृत हैं। ग्राम प्रधान दुर्गावती देवी, अखिलेश रामपाल यादव, रघुनाथ चंद्रभान, मल्लू राजेश कुमार, दुर्गेश गोविंद दास, राम वेदन, रामकेश्वर रैना आदि लोगों ने अपना रोष प्रकट करते हुए कहा कि विद्यालय भवन का अधूरा कार्य नहीं कराया गया तो हम सब आंदोलन को बाध्य होंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी जगदीश प्रसाद शुक्ला ने बताया कि अधूरे विद्यालय भवन के लिए पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया है, यदि अवज्ञा की अवहेलना होगी तो आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। मेरा क्या नाम बेटा? रागिनी। कहाँ पढ़ती हो? प्राथमिक विद्यालय। बोलो। प्रत्यावे विद्यालय हरपुर। कब से पढ़ती हो? एक साल से। तुम्हारे स्कूल में फाटक और खिड़की लगा है? नहीं। सफाई हुआ है? नहीं। तुम लोग को डर नहीं लगता है जानवर से? नहीं लगता है। तो तुम लोग शिकायत करते हो? हाँ। कहाँ कहाँ नहीं लगा दिखाओ। वहाँ नहीं लगा है, वहाँ नहीं लगा है, वहाँ नहीं लगा है, यहाँ नहीं लगा है, छत पे नहीं लगा है, मिट्टी गिरता है। तुम लोग के ऊपर मिट्टी गिरता है? शिकायत किए तो कुछ नहीं हुआ? नहीं। क्या कहते हैं? जंगला नहीं लगा है, किवाड़ी नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है। ठीक है ना? ओके ओके। तुम लोग शिकायत करते हो? हाँ। तो क्या कहे ना? झूठ करते हैं, झूठ बोलते हैं। समझ रहे हो? रागिनी विद्यालय में कहते ना लगा फाटक ना लगल बा, केवाड़ी ना लगल। शिकायत करते हो तो क्या कहते हैं लोग? कहते हैं कि लोगन कहते हैं कि वही ठीक कहते हैं बनते है बनेगा तो झूठा है इसको। तुम्हारा क्या नाम है? सचिन। कहाँ पढ़ते हो? प्राथमिक विद्यालय हरपुर। कब से पढ़ते हो? जब से स्कूल बना तब से। जब से स्कूल बना तब से। तुम्हारे स्कूल में खिड़की दरवाजा लगा है? नहीं। दिखाओ। यहाँ पर है, वहाँ इसी को विद्यालय लाइब्रेरी दिखा। अगर विद्यालय नहीं बन रहा है तो तुम लोग क्या करोगे? महाराजगंज जाएंगे। और क्या करेंगे? और अगर तुम्हारी नहीं बनेगा तो वहीं पर रहेंगे, नहीं आएंगे। क्या दोगे? जब तक स्कूल नहीं बनेगा तब तक देंगे। आपका क्या नाम है? रामपाल यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? ये विद्यालय भवन कब का है? 2012-2014 से इसका निर्माण चालू हुआ है जी। इसमें जंगले फाटक नहीं लगे, प्लास्टर नहीं हुए, इसमें आप लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे हम लोग? कई बार प्रशासनिक अधिकारी आप जो कि एफ आई आर किए, कोई सुनवाई, डीएम साहब मौके से आए, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ।
वो कह रहे थे उसका जो कि हम सस्पेंड कर देंगे और जो कि उसका हम जो कि वेतन रोक देंगे, आज तक कोई जो कि कार्रवाई नहीं उसके ऊपर। जी तो आप लोगों का कहना क्या है? हम लोग का ही कहना कि उनके ऊपर कानून कार्रवाई किया जाए संजय प्रसाद के ऊपर। अच्छा, भवन निर्माण कौन करवा रहे थे? संजय सिंह। ये कहाँ के रहने वाले हैं? और तो पता चलता कि आजमगढ़ के। जी क्या जिला पे जो शिक्षा अधिकारी लोग बैठे हैं उनसे आप लोगों ने शिकायत करी थी? हम लोग एफआईआर दर्ज किए थे, उनके पास भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। मौके से आकर देख कर गए कि कोई कानून कार्रवाई नहीं किया गया। मतलब मौके से उन लोगों ने मुआयना भी किया? हाँ किया, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं मिली। प्लास्टर भी नहीं हुए, खिड़की भी नहीं लगा। यहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए चटाई की भी व्यवस्था नहीं है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? चटाई की व्यवस्था थोड़ा सा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? और हमारे सहायक अध्यापक, वो क्या नाम उनका बोलो, किनके द्वारा किया गया था? प्रेमधर ओझा के द्वारा। जी क्या प्रधान के तरफ से कोई इस विद्यालय के लिए कदम उठाया गया? प्रधान की तरफ से कदम तो उठाया गया। मान लीजिए खाना भी बनवा रहे हैं वो जो कि विद्यालय में फाटक और जंगला भी लगवाए हैं। जी आपके प्रधान का क्या नाम है? हमारे प्रधान का नाम है, क्या नाम है, दुर्गावती देवी। क्या नाम है? दुर्गावती देवी। कहाँ की है ये? ग्राम सभा मठिया। अच्छा, ये मठिया का टोला है कि राजस्व ग्राम है? राजस्व ग्राम है। अच्छा, प्रधान जी ने अपने पैसे से फाटक लगवाए थे या किसी मत से लगवाए थे? अपने पैसे से लगवाए, कोई मत हमको जानकारी नहीं है। जनपद महाराजगंज से कुमार संजय मुजम्मिल की रिपोर्ट।